मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोंस और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है आज के जमाने का बहुत ही जबरदस्त वाइनर जिसका नाम है आशकीन तालिया। क्या है भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया भाई। जी भाई, तो सबसे पहले भाई कांग्रेचुलेशन कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड उसके बाद भाई 15 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हो गए, तो भाई कैसी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है, ये सोच के नहीं किया था कभी कि यहाँ इसको पहले सबसे पहली बात प्रोफेशन करेंगे इसको एज अ प्रोफेशन, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे तो अच्छी फीलिंग है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है। हाँ, तो मुझे तो सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो यार? सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं एज सच, सबको पार्टी के वादे दिए हैं, अभी तक पार्टी किसी को नहीं दी है। अच्छा। पर हाँ करेंगे सेलिब्रेट, वैसा वाला सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। फिलहाल फोकस सिर्फ वीडियोज पे ही है कि और अच्छा काम करें और माइलस्टोन्स अचीव करें पहले, फिर करेंगे और दबा के। तो वही पैसे बचा रहे हो? पैसे हाँ बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उड़ा नहीं रहे हैं। ठीक है। तो देखो मेरे को ना भाई, मैं आपकी वीडियो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझे दिखाया था आपकी वीडियोस। सो मुझे बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे कराया यार, क्योंकि देखो अब तो 15 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, इट्स अ बिग नंबर। सो स्टार्टिंग मुझे पता है, स्टार्ट मेरी 3 साल पहले हुई थी। 3 साल हो गए मुझे करे हुए और मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में भी क्या था कि 4 साल की यूजुअली होती है, 4 साल में बंदा इंजीनियर बनता है। हाँ। मैं 6 साल में बना हूँ। अच्छा। सो 2 साल में फेल हुआ हूँ। हाँ। और जब मैं पहली बार फेल हुआ तो ठीक है, मैंने सोचा भाई इंजीनियरिंग करेंगे, कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, पास हो जाएंगे। सो इधर उधर इवेंट्स वगैरह ये सब तो करता रहता था। दूसरी बार मैं फिर फेल हुआ सेम ईयर, तब मैंने सोचा यार कि इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है, डिग्री के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि पापा चाहते थे इंजीनियर बनूँ, तो डिग्री के लिए मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, उसके अलावा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बट तब भी ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ करनी है मुझे। हाँ। वो तो बस इसलिए था कि ऑब्वियसली जब आप फेल हो रहे हैं, आपके सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो एक थोड़ा फेज आता है कि आप थोड़ा डिप्रेस टाइप रहते हैं, तो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मैं थोड़ा शौक के लिए ये सब शुरू किया मैंने। अच्छा। और वो शौक करते करते थोड़ा मज़ा आने लग गया, लोगों को पसंद आने लग गया कंटेंट, तो फिर अब यहाँ पहुँच गया हम। फिर लग गया भाई, सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मैं ही बहुत फेल हुआ था। अच्छा, तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। हाँ। तो स्टार्टिंग में मतलब क्या अकेले करते थे? स्टार्टिंग में मेरे साथ शुरू से दीक्षांत, मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल से हम साथ में है। सो वो एक्चुअली मास्कॉम का है। अच्छा। तो जब मुझे आइडिया है मुझे ऐसा कुछ करना है, और मैं देखता रहता था कि वो वीडियोज वगैरह कॉलेज प्रोजेक्ट्स करता रहता था। हाँ। सो मैंने उसको सबसे पहले कॉल किया कि यार मैं कुछ ऐसे ऐसा सोच रहा हूँ। तो उसने फिर लखन आया मेरे साथ जो एडिटिंग करता है, हम तीनों ने मिल के शुरू किया ये चीज़। तो हाँ, सपोर्ट उनका था मेरे पास। ठीक है। अच्छा भाई, ये तो आपका फ्रेंड था जो आपकी आपके साथ था, लेकिन अब आपकी टीम बहुत बड़ी बन गई है, तो उसके बारे में मुझे तो कि आपकी टीम में कौन कौन है? सो टीम तो अभी भी वही है जिस जहाँ से शुरू किया था, वही टीम अभी भी पूरी है हमारी। दीक्षांत है, अभी भी लखन है, बरखा है जो काफ़ी फेमस है, मेरे बाद अगर कोई पूछता है तो उन्हीं के बारे में पूछता है। बाकी और लोग हैं, तो कुल मिला के हम 8-10 की टीम बन चुके हैं। सो उस हिसाब से काम बटे हुए सबके अपने अपने। ठीक है। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि यार देखो अगर मुझे आशकीन की टीम ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। देखिए, हम इंटर्नशिप्स वगैरह तो करते रहते हैं, सो वहाँ पे अप्लाई करें, बाकी देखेंगे। मैसेज मैं देखता हूँ लोगों के आते हैं, मेल करिए यार आप मुझे कॉन्टैक्ट में, हमारी मेल आईडी है, वहाँ पे अपनी रेज्यूमे जो भी है मेल करें, तो जैसा भी लगेगा हम जरूर करेंगे काम। ठीक है। और बहुत सारी लड़कियों के भी मुझे मैसेज आते हैं कि आशकीन इज सिंगल और नॉट। अच्छा, ये आया था। हाँ। नंबर आया था, नंबर तो दे देते हैं आप। सिंगल? हाँ सिंगल। क्यों? लेकिन पूरी तरह से सिंगल यार भाई, टाइम नहीं मिलता एक तो इन चीज़ों में, ये टेक्सटिंग वगैरह है ना, और ये सब करने का। दूसरा अभी ठीक है, सिंगल अभी अपन को चल रहा है, खुश है अपन, तो ये चीज़ सही। हैप्पी? हैप्पी। ठीक है। अरे देखो मुझे बाबा, देखो आपकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो फैन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देते हैं, सो किस किस तरह के आपको मैसेज आते हैं? कोई इमोशनल मैसेज, कोई हार्ट टचिंग मैसेज? काफ़ी आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट मैं अभी के आज की एक बात बताऊँगा, मैं आपके स्टूडियो आ रहा था और मुझे पार्किंग के लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, और एक बच्चा मेरे को भागते हुए आया। अच्छा। और वो आया, उसने मेरे से सेल्फी खिंचवाई, आपके दो ये आगे ही रहता है दो घर छोड़ के, और मैंने उससे पूछा भाई तूने मुझे पहचाना कैसे? कह रहे भाई मैंने आपकी गाड़ी पहचानी, मैं आपकी इतनी वीडियोस देखता हूँ, मुझे नंबर याद था, मैंने नंबर देखा और वो भाग के नीचे आ गया। सो ये चीज़ अभी मेरे साथ हुई है और काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं काफ़ी। हाँ। सो अच्छा है, बहुत अच्छा है। एनी इमोशनल मैसेज जो आपकी जो वाइन से रिलेटेड हो कि यार ये देखा था?
हाँ काफ़ी हमारी वाइंस ऐसी होती है जो वीडियोस में करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हर दो चार वीडियोस के बाद कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दें। तो मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस करी है, इंडियन मुस्लिम करी है, लास्ट मैंने करी है अभी बुली के ऊपर करी है। तो उस पर लोगों के काफ़ी रिस्पॉन्स आए हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है और काफ़ी उन्होंने थैंक्स मैसेज करा है कि आपने ये चीज़ दिखाई, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी तक नहीं हम ज़्यादा छेड़ते और इसका इफेक्ट काफ़ी होता है, मतलब बड़े लेवल पे भी बच्चा दब जाता है। तो वो चीज़ हमने करी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी, तो उससे रिलेटेड आते हैं लोगों के मैसेज। और फीमेल फैंस से किस तरह के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे? आते हैं जैसे कुछ बताओ, सोचते थे जवानी में अपने कि यार ऐसा कुछ हो अपने साथ, बहुत हो रहा है तो वो अच्छा लगता है काफ़ी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि सिंगल है हम या फिर क्या, तो यार मैं सिंगल हूँ बट कोई ऐसा अभी तक है नहीं रिलेशनशिप में आने का कुछ, फोकस अभी फिलहाल काम पे ही है। सो अगर मतलब किसी लड़की ने आशकिन को इम्प्रेस करना हो तो वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़की में? स्मार्ट होनी चाहिए। okay. लड़की दिखने में मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, स्मार्ट हो बस चलेगा, दिमाग से हर चीज़ है स्मार्ट। okay. एक वर्ड है काफ़ी लड़की के लिए, स्मार्ट। हाँ ठीक है। देखो भाई मुझे ना आपके बहुत सारे करेक्टर आप करते हो पसंद है, मुझे भैया जी बहुत पसंद है करेक्टर, देखो मेरा फेवरेट है। आप बताओ कि आपका फेवरेट खुद का करेक्टर कौन सा और क्यों? मेरा खुद का भैया जी है और एक और है जो मैं शेख जिसमें बनता हूँ, हबीबी वाला। सो ये दो कैरेक्टर्स मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। और सच बताऊँ जब भैया जी कोई कैरेक्टर सोचा नहीं था ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा प्लान नहीं था। पहली वीडियो मैंने करी तो उसमें मुझे रिक्शा चलाना था, वो बहुत वायरल होता जो रिक्शा वाला। हाँ वो काफ़ी उसका रिस्पॉन्स अच्छा था और काफ़ी मतलब सेलिब्रिटीज पब्लिक फिगर्स ने भी उसके बारे में बहुत बोला है, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। वो पहली उनकी वीडियो थी और उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे सबसे मतलब बेवकूफ़ टाइप बंदा दिखना है, ठीक है, तो मुझे रिक्शा चलाना, तो मैंने मूछ रख ली, गमछा ओढ़ लिया, ये सब करा, बनियान पहन ली, तो वो काफ़ी पसंद आया। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो सेम कैरेक्टर में करी बट टॉपिक अलग रखा, वो भी पसंद आया और लोगों ने ही उसका नाम दे दिया, कॉमेंट में यही कह रहे भैया वो भैया जी वाला जो था, लुंगी वाला था। तो वैसे वैसे करके अब हमने उनकी 7 या 8 वीडियोज़ बना ली उस कैरेक्टर पर और जल्दी कुछ आगे बड़ा प्लान कर रहे हैं उनके साथ। तो देखिए तो जो भैया जी की ऑब्जर्वेशन है वो ना दिल्ली के जो दिल टूटे आशिक जिनको जिनको डिच किया जाता है, जिनको लड़कियां जिनका यूज करके निकल जाती है, वो उसके बारे में बताओ, वो क्या खुद की ऑब्जर्वेशन है मतलब या कुछ पर्सनल हुआ? ये खुद का एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं आप कि अच्छा। कहीं ना कहीं रहा है, हर लड़के का रहा है तो हमारा भी रहा है। और हाँ ये ज्यादा है कि हमने वो बड़ा डार्क कैरेक्टर है वो, जिसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही हुआ है, कभी उसको किसी लोगों ने जलील किया है या किसी लड़की ने धोखा दिया है, एक लड़की ने नहीं 4 लड़की ने धोखा दिया है। तो वो ऐसा ही कैरेक्टर जिसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है और अब वो ऐसी स्टेज पे कि वो एक एक करके सब पे जाता है और अपना इंतकाम लेता है। हाँ मतलब वो मुझे याद है कि एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में बिरयानी, हाँ वो शादी में घुस रहा है बट ठीक है एक्स को उसने डरा दिया अपनी, बट उसको मतलब बिरयानी से। तो ऐसे ऐसे बनाई है, मतलब भैया जी इन फ्यूचर और खतरनाक होने वाले। कोशिश ये रहेगी, लेट हम आते हैं भैया जी के साथ इसी वजह से कि हम सोचते हैं यार पिछले वाले से अच्छा हो, सो इस वजह से काफ़ी हम लेट हो जाते हैं, बट लोगों की डिमांड बहुत है तो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आइडियाज़ लाए। ठीक है, सो भाई जो आपकी स्क्रिप्ट सारा आप खुद करते हो? मोस्टली मैं करता हूँ, शुरुआत तो मैंने ही करी थी सारी। अब जैसे मैंने बताया कि टीम है काफ़ी बड़ी है तो सबके इनपुट्स आते हैं, कभी कभार आइडिया किसी और का ही पूरा होता है, तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं करता हूँ सारा, बट हाँ ज़्यादातर मेरा ही रहता है। ठीक है, अच्छा एक मेरा सवाल है, जो बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं मोस्टली जो दिल्ली के सारे फेमस हैं उनके सबके मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो वो लोग अवॉइड करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपसे पूछ रहा था कि यूट्यूब से कितनी कमाई आती है? मैं सच बताऊँ ये बहुत सारे लोगों का भी सवाल है। ठीक है मेरे को, अब मैं बताता हूँ सही 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब करे हुए, और स्टार्टिंग के 1-2 साल ना के बराबर, नल्ला बिल्कुल, और वीडियोस चल रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, नल्ला। अब मैं बोलूँगा आते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं आते हैं, आता है ऐसा नहीं है, बट हमारे साथ ये केस होता है, मैं सब जानता हूँ सारे यूट्यूबर्स के साथ यही केस होता होगा, 5 में से 4 या 3 वीडियोस हमारी कॉपीराइटेड होती है, क्योंकि हमें बॉलीवुड म्यूज़िक यूज़ करना होता है और वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो मेरी तो 5 में से 4 वीडियो रहती है कॉपीराइट, तो उनका पैसा तो भूल जाता हूँ, वो तो कोई और यूट्यूब अर्निंग में देखता ही नहीं। Okay. मैं YouTube अर्निंग पे डिपेंड नहीं होता, मेरा मेन रहता है ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स जो वीडियोस में आप देखते होंगे, और वो यार थोड़ा ज़रूरी होता है इसलिए करते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी देनी है, वीडियोस रेगुलर करनी है, तो पैसा भी कमाना है यार। हाँ. तो इसलिए हमें करना पड़ता है। कुछ लोगों को बहुत लगता है कि यार ये क्यों ब्रांड कर रहा है,
तो जरूरत है हमारी। ठीक है समझ गए, बड़े इंटेलिजेंट आपने जवाब दिया। अच्छा मुझे बताओ कि आपका जो काम बहुत जी फाड़ है, तो कभी किसी बिग यूट्यूबर या कोई एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी बिग पर्सनालिटी जिसने आपको अच्छा फीडबैक दिया हो आपके काम से रिलेटेड? मेरे को हमेशा जितने भी मेरे साथ के यूट्यूबर्स हैं, अच्छा ये एक सबसे बड़ी मेरे साथ पर्सनल दिक्कत ये है कि मैं ज़्यादा सोशल नहीं होता। मेरे को ना किसी को मैसेज करने का ऐसा आदत है ना, मतलब मैं हार्डली किसी पार्टी में यूट्यूब पार्टी में गया हूँ, किसी इवेंट पे गया हूँ, कभी नहीं गया मैं आपसे। सो इसलिए मेरा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा लोगों से है नहीं, स्पेशली यूट्यूबर्स से। बट हाँ कभी जब टेक्स्ट पे बात हुई है पहले स्टार्टिंग में, अब तो काफ़ी कम ही है, सब अपने अपने में बिजी हैं, बट पहले जब भी हुआ है सब ने अप्रिशिएट किया है। जितने 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 अभी हैं यूट्यूबर्स सबसे मैंने कहीं ना कहीं से सुना है कॉम्प्लीमेंट। और रही बात सेलिब्रिटीज़ की, तो जिनके साथ मैंने अभी तक काम किया उनको काफ़ी पसंद आई। सपना चौधरी के साथ किया था, तो नावेद सर के साथ किया था मैंने, उनको काफ़ी पसंद आई थी। भैया जी के बारे में मुझे जाकिर भाई ने बोला हुआ है, उनको इंतकाम बहुत पसंद है। मल्लिका दुआ ने भी एक बार कमेंट किया था, तो AIB की टीम से एक बार आया था कहीं से। सो ये चीज़ें आई भी हैं कमेंट, मतलब हाँ लोग आपको आपके वीडियोस देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, एक शक्ल से काफ़ी लोग पहचान लेते हैं, हाँ। नाम से उनको कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आपके थ्रू ये भी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा रियल नेम आशकीन है और मेरा सिंगल नेम है, कोई सरनेम नहीं है। सो अगली बार याद रखना यार। ठीक है भाई। अच्छा देखो आपने दो कोलैबोरेशन की थी जी भाई, सपना चौधरी के साथ जी एंड आशीष चंचलानी के साथ। सो मुझे ये बताओ कि दोनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा रहेगा, बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब मज़ा आया काफ़ी काम करके दोनों के साथ। ज़्यादा कुछ समझाना भी नहीं पड़ा और ऐसे मतलब मैं शूट दोनों के शूट बताऊँगा हम 3-4 घंटे में हमने किए हैं। वीडियो देखने में बहुत बड़ी लगती है वो, बट शूट्स तो 3-4 घंटे में हमने सारा निपटाया और काफ़ी अच्छा था। मतलब उनके बारे में कुछ पर्सनल बातें जो आप जो काम करते आपको लगा यू वांट टू शेयर? सपना के बारे में कहूँगा मैं तो चिल आउट है, बहुत चिल आउट, बहुत ज़्यादा चिल आउट, मस्ती मजाक चल रहा था। उस 2 दिन पहले उनके घर भी गया था मैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं किसी से पहली बार मिल रहा हूँ। अपना बैठे आराम से बातें करी, काम तो उन्होंने बोला काम की होती रहेगी, पहले नॉर्मल हमने कितनी देर बातें करी। सो उनके साथ आशीष को तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, सो आशीष के साथ भी काफ़ी बातें हुई, बहुत कुछ हमने मतलब काम को लेके बात करी, पर्सनल बात करी और आगे प्लान्स हैं कुछ, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो और फ्यूचर में मुझे बताओ किन किन तुम्हारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऐसे कुछ अभी स्पेसिफिक नहीं है कि क्या एग्जैक्टली करना है, बट हाँ अब थोड़ा कोलैबोरेशन शुरू किया है हमने, हम अब अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को ला रहे हैं कि आओ, हम ओपन हैं सबके लिए, तो वो हमने शुरू किया है, हमें कोई बुलाया हम जाने को तैयार हैं। सो ये फ़िलहाल अपने चैनल के लिए है। उसके अलावा अपने लिए अगर मैं कहूँ तो अभी तक तो ये मैं कर रहा हूँ, बाकी हाँ ग्रोथ तो सबको करना होता है। तो यहाँ पहले जब 3 साल पहले यहाँ से यहाँ आए, तो अब यहाँ से यहाँ भी जाना है, उस पॉइंट से देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए दो कोलैबोरेशन सपना चौधरी जी के साथ हमने कर ली, आशीष चंचला के साथ कर ली, अब कौन है माइंड में आपके? माइंड में मेरे अभी कोई नहीं है, वैसे तो सारे हैं, सच बताऊं तो माइंड में सब हैं, सबको लाना है भाई, बट अभी किससे बात चल रही है, कौन आने वाला है, ऐसा अभी कोई प्लान नहीं हुआ है, बट कोशिश चल रही है नेक्स्ट मंथ तक कोई ना कोई आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, जल्दी देखने को मिलेगा। सरप्राइज मिलेगी, ओके अच्छा आई लव, कोई भी हो सकता है, सरप्राइज है जी वो। ठीक है, अच्छा भाई मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूंगा, अच्छा सो आपको ना उनको डिस्क्राइब मतलब उनके बारे में या तो वन वर्ड में बोलना या वन लाइन, वन वर्ड वन लाइन, मतलब या तो वन वर्ड हो सकता है या आपको अगर लंबा करना है तो लाइन भी हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। बीबी के वाइंस माय फेवरेट, मतलब बहुत सही बंदा है यार वो, कभी मैं मिला नहीं हूँ, कभी बात नहीं हुई है, बट उसका कंटेंट देखता हूँ तो लगता है कि यार एक उसके लिए वर्ड यूज होता है वन मैन आर्मी, वो है वो। ठीक है, कैरी भी नाती? कैरी को मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, बट कुछ कुछ वीडियो देखी है और उसका ह्यूमर जो है वो एकदम से आने वाला है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। सो हाँ, अमित बड़ाना वायरल किंग इस टाइम पे, तो व्यूज अगर व्यूज की बात होती है तो दूसरा नाम अमित बड़ाना आता ही नंबर 1 ट्रेंडिंग जी भाई। जाकिर खान फेवरेट, मतलब अगर मेरा एक टाइम को स्टैंड अप करने का भी मन किया था तो मैंने उनकी वीडियोस काफ़ी देखी थी पहले, बहुत सारी देख ली एक तरह से, तो बट मुझे लगा कि यार नहीं हो पाया तो छोड़ दिया मैंने वो, बट किंग है वो, स्टैंड अप के किंग। ठीक है भाई,
और आपके खुद के फेवरेट तीन यूट्यूबर्स कौन है? तीन बीबी है, ओके, आशीष है, हाँ, जाकिर भाई, तीन। ठीक है, और फ्यूचर में सोचा कि बॉलीवुड एंड ऑल? हाँ, क्यों नहीं, कौन नहीं सोचता यार, ये सोचा है। सो अगर मैं ग्रोथ की बात कर रहा था तो ठीक है, अगर यहाँ पे आए तो हमें वहाँ जाना है, देखिए कभी कुछ आता है तो ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अच्छा जाने से पहले जी आपके फैंस जो कि आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनको क्या बोलना चाहूँगा? सो यार जब मैंने पहली वीडियो डाली थी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चलेगी। सो आप तब थे मेरे साथ, आप अभी भी हैं मेरे साथ। सो बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोग वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच जो आप यहाँ तक मुझे लेके आए हैं, और आगे और जाना है, मुझे जाना है, मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। सो ऐसी सपोर्ट करो यार और प्यार देते रहो, और कंटेंट ऐसे ही हम अच्छा अच्छा लाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। एंड भाई फीमेल फैंस को स्पेशली क्या बोलना चाहोगे यार? फीमेल्स फैन, अच्छा फीमेल्स फैन को बोलूँगा यार आप थोड़ा और प्यार दो मुझे, मतलब नॉर्मल लड़के तो दो ही दो, फीमेल्स थोड़ा ज़्यादा प्यार दो, और आप अपना मेरा नंबर राज भाई से लेना और प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना यार। ठीक है, तो मैं आपका नंबर दे दूंगा। हाँ, अच्छा भाई जाने से पहले, जैसे कि मैं दिल्ली का सबसे फिल्म ऑनर राज जोंस, तो फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए तो कैसा लगा भाई बताओ? मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये इंटरव्यू मतलब इस लेवल का इंटरव्यू मैंने पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और सच बताओ मेरे को वेट कराया काफ़ी इन्होंने, बट चलता है यार, वो वर्थ था मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच भाई आपने बुलाया मेरे को। थैंक यू भाई, लास्ट हर्ष बनी वाला तो उसने भी ये बोला था। ठीक है, सो भाई थैंक यू भाई आप मेरे शो पर आए, थैंक यू, फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करो, खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।